हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री टाइप्स ऑफ वाउचर्स, तीन किस्में वाउचर की। तो देखते हैं पहली किस्म को। पहली किस्म क्या है वाउचर की, जो पहली टाइप है ये है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? ये वो वाउचर होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है कैश या बैंक रिसिप्ट, यानी जो भी रिसीविंग हो रही है वो कैश के थ्रू हो रही है या बैंक के थ्रू हो रही है। बैंक के थ्रू नॉर्मली चेक वगैरह के थ्रू जो होती है, तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और जो रिसिप्ट वाउचर है वो भी दो तरह के होते हैं, एक कैश रिसिप्ट वाउचर जिसके अंदर कैश की रिसीविंग रिकॉर्ड की जाती है, जो कैश में रिसीव हो रहा है, और दूसरा बैंक रिसिप्ट वाउचर जिसके अंदर बैंक की थ्रू जो भी रिसीविंग की जा रही होती है, यानी चेक वगैरह के थ्रू, वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। अब दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर क्या है? इसके ज़रिए रिकॉर्ड की जाती है पेमेंट जो है वो कैश की भी और साथ में चेक की भी, यानी कि बैंक की। जो कैश के थ्रू पेमेंट की जा रही है वो भी रिकॉर्ड की जा रही है, और चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू जो पेमेंट की जा रही है वो भी रिकॉर्ड की जाती है। तो पेमेंट वाउचर के अंदर दोनों तरह की पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक कैश पेमेंट वाउचर है जिसके अंदर कैश की पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है, और बैंक पेमेंट वाउचर है जिसके अंदर बैंक की पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो तीसरी टाइप है वो है जर्नल वाउचर। अब दो तरह की टाइप्स जो थी उनमें कैश और चेक का सिलसिला था, कैश और बैंक का, यानी अब इसमें जो है वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि ना तो कैश को अफेक्ट करती है और ना बैंक को अफेक्ट करती है, दोनों में से किसी को भी अफेक्ट नहीं करती। तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है।